हाय गाइस, आज मैं आपको स्लाइस टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, हम इसे एडोब इलस्ट्रेटर में कैसे यूज़ करते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने आपके सामने यहू नाम लिखा हुआ है, ये मैंने कैसे इफेक्ट इसमें डाला एंड इसकी कटिंग कैसे की है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जो भी आप नेम लिखते हैं उसमें डिफरेंट शेप्स वगैरह इफेक्ट वगैरह ईजिली डाल सकेंगे। ओके गाइस, चले हम अपने वर्क की तरफ चलते हैं। हाँ गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल जाए। अच्छा गाइज, यहाँ पर मुझे एक नीट आर्ट बोर्ड चाहिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक आर्ट बोर्ड लूँगा, ये मैंने एक वाइट आर्ट बोर्ड लिया। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है टाइप टूल, टाइप टूल। ओके, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। ओके, एंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ YAHW, याहू। ओके, एंड सिलेक्शन टूल पर क्लिक कर रहा हूँ। सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसके साइज शिफ्ट की मदद से बढ़ा रहा हूँ। गाइज, आप शिफ्ट की मदद से भी साइज को बढ़ा सकते हैं। ओके, एंड दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। गाइज, जैसे आप यहू पर क्लिक करेंगे, जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा वैसे आपने ऊपर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा करेक्टर का, इस पर आपने क्लिक करना है। एंड गाइज, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मॉन्स्ट्रेट। ओके, मॉन्स्ट्रेट, इस पर मैंने क्लिक किया। एंड जहाँ पर मैं बोल्ड ले रहा हूँ, बोल्ड। ओके, हमारे पास इसके भी मज़ीद दो ऑप्शन है, रेगुलर एंड बोल्ड। मैं बोल्ड ले रहा हूँ एंड जहाँ पर मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है यहाँ से इसका साइज़ बढ़ता है। ओके, ऊपर वाले बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। एंड गाइज, ये देखें, ये मेरे पास आ गया याहू। मैं चाहता हूँ इसका और ज़्यादा साइज़ बढ़ाना थोड़ा चाह रहा हूँ, तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। ओके गाइस, ये मेरे पास याहू आ गया। इसे मैं सेंटर में करूँगा अलाइन की मदद से। अलाइन में अलाइन टू आर्ट बोर्ड पर क्लिक करूँगा मैं एंड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ओके, ये मेरे पास सेंटर में आ गया। अच्छा गाइस, सबसे पहले आपने अपने जो भी आपने राइट किया है, मैं याहू को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टाइप पर। टाइप के टेबल में हमारे पास नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट आउटलाइंस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पर हमारे पास ओपेसिटी का एक ऑप्शन है, ओपेसिटी। ओके, यह इस बटन में मैं क्लिक करूंगा, ये इसकी मदद से मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ याहू की। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कम कर रहा हूँ मैं, इसकी 50 कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने इसकी ब्राइटनेस हाफ कर दी है। ओके, ये देखें गाइस, मैंने इसकी ब्राइटनेस हाफ कर दी है। एंड नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल। ओके, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड जहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, गाइस इससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, सिलेक्शन टूल की मदद से आप पहले इसे सिलेक्ट करेंगे। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं इसका साइज, इसे थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं या डिजाइनिंग में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। देखें, मैं कर्सर की मदद से इसको थोड़ा सा देखें डिजाइन में कर देता हूँ, देखें। ओके, ये मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया। ओके, एंड मैं अब इसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड अब मैं अगेन रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, ये देखें रेक्टेंगल टूल लिया एंड मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ। ओके गाइस, ये मैंने एक बॉक्स बनाया ब्लैक, ठीक है। अच्छा गाइस, इसका मैं कलर लाइट करना चाह रहा हूँ, तो सिलेक्शन टूल की मदद से इसका कलर लाइट करूंगा। सिलेक्शन टूल लिया एंड सिलेक्ट कर रहा हूँ इस बॉक्स को, रेक्टेंगल को। एंड उसी तरह से हमारे पास ऊपर ऑप्शन है ऑपेसिटी का, आप इस पर क्लिक करेंगे ऑपेसिटी पर तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ओके, एंड ऑपेसिटी इस बटन में मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड इसकी ब्राइटनेस भी मैं कम कर रहा हूँ, ये देखिए। ओके, मैं इसकी ब्राइटनेस कर रहा हूँ उसी तरीके से हाफ, ये मैंने इसकी ब्राइटनेस हाफ कर दिया। ओके गाइस, अच्छा गाइस, यहाँ से आप इसको, ये हमारे पास एंकर पॉइंट है, इसकी मदद से मैं इसका आप जैसे अपने डिज़ाइन में चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो इतना सा कट करना चाहते हो तो इतना डिज़ाइन कर लें, अगर ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो आप कम ईजिली कर सकते हैं, ज़्यादा और कम। ओके, सेट कर सकते हैं। ओके, मुझे थोड़ा सा और कम चाहिए,
गाइस ये मैंने लिया, ओके एंड अब मैं क्या करूंगा गाइस, आपने इन दोनों को रेक्टेंगल को एंड जो भी आपने नेम लिखा है याहू जो कि मैंने लिखा है आपके सामने, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। ओके सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है शेप बॉइलर टूल, शेप बॉइलर टूल, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा गाइस शेप बॉइलर टूल पर मैंने क्लिक किया। गाइस आप ऑल्ट का जो आपके कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन है उसको होल्ड करके रखें, उसे आपने दबा के रखना है। ओके होल्ड को दबा के रखना है एंड इस बॉक्स को जो हमारे पास जो आपको बॉक्स सर्कल में सुराख नज़र आ रहा है इसे मैं खाली करूँगा एंड मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। ये देखें ये इसमें हो जाएगा सुराख, ओके वाइट हो गया। ये क्यों करना ज़रूरी है मैं आपको ये बताऊँगा। इसी तरीके से ऑल्ट का बटन दोबारा दबा के रखें एंड क्लिक करके ड्रैग करेंगे ये दोनों एंड ऑल्ट का बटन आप छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे तो इस तरह से स्पेस खाली हो जाएगी। ओके एंड इसी तरीके से यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा सेट करना चाह रहा हूँ। ऑल्ट का बटन दबाना है एंड क्लिक करके ड्रैग करना है इस चीज़ को आपने एंड ऑल्ट का बटन जैसे आप छोड़ेंगे इस तरीके से स्पेस खाली हो जाएगी। ओके गाइस एंड अब इस रेक्टेंगल को मैंने फिनिश करना है। ये कैसे होगी, आपने ऑल्ट का बटन दबा के रखना है, ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखना है एंड जस्ट माउस से क्लिक करना है। ओके ये मैंने क्लिक किया। ओके गाइस जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हाफ हाफ हो गया है। अच्छा गाइस अब आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सेलेक्ट करना है एंड हमारे पास अगेन उसी टूल पर जाएंगे शेप बॉल्डर टूल पर। ओके मैं इस पर क्लिक किया शेप बॉल्डर टूल। अच्छा गाइस अब मैं क्लिक करके माउस की मदद से ड्रैग कर रहा हूँ, जस्ट ये देखें लाइन लेके जा रहा हूँ। इसी तरीके से आपने लाइन लेके जानी है। ओके गाइस अच्छा गाइस याद रखिएगा ये लाइन ऊपर से जस्ट आपने टच करनी है ऊपर। अगर आप इस तरीके से सर्कल के अंदर से लेके जाओगे जैसे कि ये मैंने ओ लिखा हुआ है तो इस तरीके से ये ख़राब हो जाएगा। ओके ये आपने ध्यान रखना है। अगेन मैं करके दिखाता हूँ, आपने जस्ट क्लिक करके जस्ट ऊपर ऊपर रखना है। ओके ये देखें ऊपर वाली सतह पर रखना है, ये देखें जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें ऊपर ऊपर। ओके इस तरह से। ओके गाइस ये मैंने ऊपर वाला पोर्शन कर लिया एंड अब मैं नीचे वाला पोर्शन कर रहा हूँ। उसी तरीके से आपने क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देखें अब आपको ऑल्ट का बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस इस तरीके से इसे मैंने ड्रैग करके क्लिक किया। ओके अच्छा गाइस अब मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, सिलेक्शन टूल ले लिया। अच्छा गाइस अब मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, ये देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो देखें इस तरीके से इसके पोर्शन अलग हो गए हैं। ओके अच्छा गाइस अब मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट नीचे वाले पोर्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो हमारे पास सेपरेट हुए हैं। ये देखें मैं आपको अगेन करके दिखा देता हूँ। ये देखें ओके गाइस इस तरीके से ये पोर्शन अलग अलग हो गए हैं। ओके दो पोर्शन में बैठ गए। अच्छा गाइस अब आपने क्या करना है, जस्ट नीचे वाले पोर्शन को आपने जस्ट सेलेक्ट करना है। ये देखें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करूँगा गाइस, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट का बटन दबा के माउस का बटन क्लिक करके ड्रैग करना है जस्ट। ये देखें सॉरी अगेन करके दिखाता हूँ मैं आपको, माउस की मदद से क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबा लेना ताकि आपका ख़राब ना हो। ये देखें मैं जस्ट क्लिक करके आपने आगे की तरफ ड्रैग करना है, ये देखें इस तरीके से जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। ओके गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको ये डिज़ाइन करके अगेन बता देता हूँ मैं, आपने क्या करना है पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद नीचे वाले पोर्शन को आपने क्लिक करके रखना है एंड शिफ्ट का बटन दबा लेना है एंड जस्ट ड्रैग करना है। ओके गाइस जिस तरीके मैंने अभी कहा। ओके गाइस इस तरीके से आपने करना है। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आपने जस्ट इसे जो आपके पास वाइट बोर्ड है इस पर आपने इसे क्लिक करके रखना है। ये देखें मैं बिल्कुल कॉर्नर से लेके क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ
इस तरीके से इस वाइट बोर्ड पर पूरा रेक्टेंगल ले रहा हूँ, बॉक्स ले रहा हूँ। ओके, ये देखें, ये मैंने ब्लैक स्क्रीन आ गई। आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल पर जाना है, सिलेक्शन टूल की मदद से फिल में जाना है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है फिल का, या आप यहाँ से भी फिल में कलर कर सकते हैं, फिल। ओके, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ स्काई, ये मैंने स्काई कलर किया। ओके गाइस, एंड यो मैंने ऊपर बॉक्स रखा था, रेक्टेंगल रखा था, इसे मैं यहू नाम के पीछे लेके जाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट राइट क्लिक करूँगा, यह हमारे पास एक टेबल आ जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अरेंज, मैं इसे कर रहा हूँ सेंड टू बैक। जैसे मैंने सेंड टू बैक किया तो देखें यहू सामने आ गया। ओके, अच्छा गाइस, अब क्या करना है, आपने आपने इस रिक्टेंगल को जो आपके सामने बॉक्स है इस पर जस्ट आपने क्लिक करना है। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है लॉक, मैं इसे लॉक कर रहा हूँ, सिलेक्शन लॉक, आप इसे लॉक कर दीजिएगा ताकि ये आपको तंग नहीं करेगा। अच्छा गाइस, अब आपने याहू को सिलेक्ट करना है, इसे मैंने याहू को सिलेक्ट किया। ओके, एंड इसमें मैं कलर कर रहा हूँ वाइट, ये मैंने इसमें वाइट कलर किया। अच्छा गाइस, आपने देखा ये वाइट कलर फिल पूरा नहीं हुआ, तो इसका क्यों नहीं हुआ, हमारे पास ऊपर ऑप्शन है ओपेसिटी का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने इसके याहू के ब्लैक कलर को हमने लाइट किया था, अब हम उसको वापस डार्क करते हैं। जैसे कि 51 था, अब मैं इसे 100 पे लेके जा रहा हूँ, क्लिक करके आप 100 पे लेके जाएंगे तो इस तरीके से ये अगेन वाइट कलर इसका वापस आ जाएगा। ओके गाइस, ये हो गया। गाइस, अगर आपने यहाँ पर ग्रेडियंट रखना है, ग्रेडियंट रखना है, ग्रेडियंट कैसे यूज करते हैं गाइस, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है ग्रेडियंट का। ओके, अगर यहाँ पर नहीं है तो विंडो में आप आ जाएंगे तो यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन है ग्रेडियंट। ओके, ये रहा ग्रेडियंट। ओके, अच्छा गाइस, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया ग्रेडियंट का। ओके, अच्छा गाइस, मैं जस्ट ऊपर वाले पोर्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले पोर्शन को हमने सिलेक्ट किया, ये देखिए ऊपर वाला पोर्शन सिलेक्ट हो गया। एंड आपने क्या करना है, ग्रेडियंट मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस तरीके से ग्रेडियंट कलर आ गया इसमें। अच्छा गाइस, अब आप कंट्रोल जी दबा लें, कंट्रोल जी यानी कि ग्रुप में कर लें। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप का, आप ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप में हो जाएगा ऊपर वाला पोर्शन। अच्छा गाइस, अब मैं यहाँ पर ग्रेडियंट टूल, हमारे पास ग्रेडियंट टूल पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके गाइस, ये ग्रेडियंट टूल है हमारे पास, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इनमें से किसी भी अदद के ऊपर आपने जो भी हमारे पास अल्फाबेट है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके मैं जस्ट ड्रैग करूँगा, ये देखें हमारे पास एक लाइन आ रही है, ये देखें, शिफ्ट की मदद से कीजिएगा ताकि स्ट्रेट जाए। इस तरीके से इसके आप कलर को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ओके, इस तरीके से अगर ख़त्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप इसमें कलर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। ओके गाइस, ये था ग्रेडियंट। एंड जैसे कि मैंने आपके सामने ये कलर किया डार्क सा। ओके गाइस, एंड इसी तरीके से सिलेक्शन टूल पर गया मैं। अच्छा गाइस, अब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पर जाना है। ऑब्जेक्ट में हमने जो स्क्रीन अपनी लॉक की थी इसे मैं अब अनलॉक कर रहा हूँ। देखिए अनलॉक ऑल, इसमें मैं जैसे क्लिक करूंगा ये देखिए अब हमारी स्क्रीन अनलॉक हो गई है। अच्छा गाइस, इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल की मदद से आपने जस्ट क्लिक करना है इस रेक्टेंगल पर, बॉक्स पर, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। एंड अब आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं आराम से, ठीक है, जौन सा आप कलर चाहें वो कलर कर सकते हैं इजीली। ओके गाइस, इसी तरह से मैं ग्रेडियंट ले रहा हूँ, ये मेरे पास ग्रेडियंट टूल आ गया, इसमें मैं कलर रखता हूँ दो। यहाँ पर हमारे पास ये कलर है रेड, इस पर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, जस्ट आपने उस कलर पर क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है, यहाँ पर लाकर मैं इसे छोड़ देता हूँ। ओके, ये मैंने इस पर छोड़ा। अच्छा गाइस, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक रेड कलर है, इस पर मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ एंड इसे मैं यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ। ओके गाइस, इस तरीके से आप इसमें कलर में चेंज कर सकते हैं, डार्क करना है डार्क कर लें, इस तरीके से आप इसमें लाइट डार्क कर सकते हैं। देखिए मैं अगर इसी साइड पर करता हूँ तो देखें डार्क हो लाइट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप ग्रेडियंट में इसके कलर्स वगैरह को चेंज भी कर सकते हैं। ओके गाइस, ये था आज का हमारा काम। ओके गाइस, इस तरीके से जैसे कि ये मैंने एक पहले बना कर रखा हुआ है गाइस, इस तरह से
आप डिफरेंट अदात वगैरह लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, यानी कोई भी नेम लिखकर आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। ओके गाइस, बाय।